नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं साथी, और आइए नजर आते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। जिला फिरोजपुर तहसील जीरा के एक अमृतधारी सिख गांव बम बंडाला का रहने वाला सुखदेव सिंह काला पुत्र बाज सिंह गांव बहक गुजरा की धाना मंडी में पुलिस गश्त दौरान ASI दिलबाग सिंह ने उससे 1400 नशीली गोलियों संग गिरफ्तार किया। दोषी ने प्रेस को बताया कि यह कोट इसे खान से लाकर यह नशा बेचता था। SHO जसविंदर सिंह सदर थाना जीरा ने प्रेस को इससे संबंधित जानकारी दी। पंजाब ब्यूरो इंचार्ज गुरलाल सिंह बरोला की रिपोर्ट। के खिलाफ काफी गंभीर दिखाई दे रही है। आज जीरे थाने सदर ने काफी मात्रा में नशा बरामद किया। जानते हैं की किया सर, जिहड़ा अज नशा तुसीं बरामद किया है, कित्थों किया और किन्ना किया है? एक सुखदेव सिंह इलीस काला पुत्र बाज सिंह, ये पिंड बडाले का रहने वाला, बैक गुजरा को अज जिहड़ा कि इहदे कोल 1400 नशीलियां गोलियां सी बरामद कीतियां, ते पुलिस रिमांड हासिल करके जिहड़ा कि FIR दर्ज करती है। पुलिस रिमांड दे हासिल करके अगली तफ्तीश करते हैं कित्थों लैके आउंदा सी इह, किन्ना किन्ना नूं इह सप्लाई करदा सी। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਕੋਟੋਂ ਲਿਆਇਆ ਜੀ, ਕੋਟੋਂ ਹੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਨਸ਼ਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵੇਚਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨਸ਼ਾ? ਐਵੇਂ ਜੀ 4-5 ਸੌ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਕੀ ਕੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਬਾਜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਸ਼ਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਮੋੜਾ ਵੇਚ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ 2-3 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਆਈ ਜੀ ਐਲਪ੍ਰੈਸਟੀ ਤੇ ਆਰਐਸ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਤੋਂ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰੋਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੌਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇ ਚੰਦਵਕ ਥਾਨਾ ਖੇਤਰ ਕੇ ਅੰਤਰਗਤ ਗੋਨੌਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਮਦੇਵਪੁਰ ਮੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਵਿਦਿਆਲਯ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਮੇ वह स्वच्छता अभियान के तहत बच्चों के स्वच्छता को मद्देनजर रखते हुए बच्चों के भविष्य को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विद्यालय को आगे बढ़ाया जा रहा है। जौनपुर से हमारे संवाददाता सौरभ यादव की रिपोर्ट। गुनौली जो ग्राम सभा रामदेवपुर जो अभी विकास खंड में पड़ता है, हम इस समय खड़े हैं प्राथमिक विद्यालय गुनौली, जो कि ये पहले हिंदी मीडियम था, अब इंग्लिश मीडियम हो गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं इस कॉलेज के बारे में, बताते हैं इस कॉलेज की क्या खासियत है। आइए, यह जो गुनौली ग्राम सभा रामदेवपुर पड़ता है, ये पहले हिंदी मीडियम था, अब ये इंग्लिश मीडियम हो गया। इसकी बच्चों की उच्च संस्था और इतना बढ़िया यहाँ पर शिक्षा दी जाती है कि इसकी कोई सीमा नहीं। जो ये विद्यालय था सन 1960 में पूर्व प्रधान स्वर्गीय जगन्नाथ यादव जी के निर्माण कराया गया था। यहाँ पर कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, आइए इनसे मिलते हैं। आइए सर, मिलते हैं सर, क्या आपको बताएंगे इस विद्यालय में बच्चों की शिक्षा बारे में क्या हुआ? बच्चे हमारे बहुत अच्छी शिक्षा पा रहे हैं और हमारे टीचर भी बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनत से और बहुत लगन से तो बच्चे हमारे जो है कि पढ़ा रहे हैं बच्चों को। गार्जियन की थोड़ा खराब है। और इस विद्यालय में जो इंग्लिश पहले हिंदी मीडियम था ऊपरों से पता चला, अब ये विद्यालय इंग्लिश मीडियम से हो गया, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जो उच्च और यहाँ पर जो काफ़ी स्वास्थ्य सफाई व स्वच्छ और स्वच्छ पीने का पानी जल वो भी बढ़िया है, यहाँ पर कालीन बच्चों को इस समय बाहर बिठा के घाम में पढ़ाया जाए, जो खुले मैदान में जो ग्राउंड है इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ग्राउंड बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है और सफाई करने के लिए करते हैं और बच्चे भी अब आ रहे हैं। तो यह इस समय जो है यहाँ पर एक
पढ़ रहा है, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो छोटे छोटे पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें बच्चों से आइए हम बात करते हैं। बच्चे क्या नाम है तुम्हारा? आप पढ़ के क्या बनना चाहती हैं? ये बच्ची जो अपनी नाम बताए सोनू सुनकर, ये बड़ा होकर पढ़ के इंजीनियर बनना चाहती है। और इसका ये है, और इस कॉलेज में देखिए काफ़ी साफ सफाई, यहाँ पर जो सुधाना अध्यापक है अभी बात किए अच्छा एकदम जो है जो है कि अच्छे इंग्लिश मीडियम हो जाए, अच्छे से फिर काम किया जा रहा है, एकदम स्वच्छ हो रहा है। यहाँ पर बच्चों को शिक्षा का काम किया जा रहा है। आशीष मीडिया सौरभ यादव के साथ। बरेली में राजेंद्र नगर स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर का पिछला हिस्सा नगर निगम ने किया सील। मंदिर कमेटी द्वारा हो रहे जबरदस्त विरोध, केंद्रीय मंत्री के खासम खास गुलशन आनंद व शहर विधायक अरुण कुमार समेत सैकड़ों लोग अपनी ही सरकार के फैसले के विरोध में धरने पर बैठे। शहर विधायक पहले ही उठा चुके बरेली के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल। कोतवाली प्रेम नगर के क्षेत्र का मामला आपको बता दें कि नगर निगम का लगभग 63 लाख का बकाया है, जिसके तहत नगर निगम द्वारा मंदिर परिसर का एक हिस्सा सील कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद से क्षेत्र के व्यापारियों व क्षेत्र वासियों में रोष व्याप्त है और सभी लोग धरने पर जा बैठे हैं। धरने में बीजेपी के शहर विधायक अरुण कुमार, बीजेपी के महानगर अध्यक्ष के एम अरोड़ा, पंजाबी महासभा के अध्यक्ष संजय आनंद, विशाल मेहरोत्रा आदि लोग धरने पर हैं। बरेली से हमारे संवाददाता शाहवाज बेग की रिपोर्ट। मैं अपने समाज के साथ हूं। एक धार्मिक स्थल पर कुछ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अगर सील लगी है या लगा दी गई गलती से, तो वाकई उसका विरोध करना बनता है। ये सरकार के अंदर, इस भाजपा सरकार के अंदर हमारे हिंदू मंदिरों पर भी अगर सील लगेगी तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका हम विरोध कर रहे हैं। हम अभी सील खुलवा देंगे इनकी, लेकिन जो कुछ भी हुआ वाकई गलत था। धरने पर सभी पूरे समाज के हर मंदिर गुरुद्वारे के लोग यहाँ उपस्थित थे। मैं भी एक पंजाबी समाज को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो पंजाबी समाज के माध्यम से मैं यहाँ उपस्थित रहा। हाँ, डॉक्टर अरुण कुमार, यहाँ सभी पार्षद बंधु, विधायक जी और बाद में मेयर साहब भी आए, तो हम सब ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द सील खुल जाएगी। अभी खुलने की कार्रवाई हो रही है, आप देख ही रहे हैं। लेकिन देखिए, सत्ता पक्ष के विधायक जनता का आदमी है। अगर जनता को किसी कोई वेदना है, जनता को कोई कष्ट है, तो उसका साथ देने के लिए हमें यहाँ पर आना पड़ा। और ये सच है कि हम जनता से हैं और जनता हमसे है, हमें उनका साथ देना जरूरी है। मेरे संज्ञान में नहीं है, मैंने सुना है कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। जब तक इसकी सत्यता की जांच नहीं होगी, मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मामला बरेली से है, जहां भाजपा सरकार में भगवान बांके बिहारी मंदिर में नगर निगम की टीम ने ताला डाल दिया है, जिसको लेकर सरकार के विधायक और मंत्री के खासम खास लोग और कमेटी के लोग धरने पर बैठ गए, जिसका घोर विरोध किया जा रहा है। जिसका घोर विरोध के आपको बता दें, बरेली के कोतवाली क्षेत्र के राजनगर स्थित बांके बिहारी मंदिर है, जिसके पिछले गेट पर नगर निगम की टीम ने ताला जड़ दिया है। बताया जा रहा है कि नगर निगम टीम का 63 लाख रुपया बकाया आ रहा है, और जिसके विरोध में केंद्रीय मंत्री खासम खास, गुलशन आनंद और विधायक अरुण कुमार और जो के एम अरोड़ा हैं, शहर महानगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वगैरह, जितनी भी टीम कार्यकर्ता वगैरह हैं भाजपा सरकार के, सब धरने पर बैठ गए हैं, जिसका घोर विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें, डॉक्टर अरुण कुमार जो शहर विधायक हैं, वो नगर निगम के अधिकारियों पर पहले भी सवाल खड़े कर चुके हैं, और यहाँ पर ज़बरदस्त सरकार में हैं, सरकार के लोग अधिकारियों के खिलाफ, सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। और क्या कहा है इन लोगों ने, आप बात करते हैं, बताते हैं आपको क्या मामला है पूरा बात करके। बरेली आईएमसी के कार्यकर्ता राष्ट्रीय महासचिव हाजी मोहम्मद इकबाल के नेतृत्व में CAANPR के विरोध में CM2 को संबोधित मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली को ज्ञापन भेजा। मांग की संविधान हित में, जनहित में व देश हित में शीघ्र चाहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संविधान व देश के नागरिकों की गार्जियन है। संविधान व देश में रहने वालों को पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी है। CAA और NPR को लेकर विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक प्रजातांत्रिक रूप से सारे भारत में हो रहे हैं। औरतों, बच्चे, बूढ़े इस कानून को वापस लेने की सरकार से मांग कर रहे हैं। ज्ञापन देने वालों में मोहम्मद यूसुफ खान, मुनव्वर अली, मुस्तकीम बब्बू आदि लोग उपस्थित रहे। बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। मैं हाजी मोहम्मद इकबाल, क्या मांग महासचिव
जोर से ये एनआरसी एंटी आर के विरुद्ध जो है उसको वापसी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय को ज्ञापन भेज रहे हैं कि इसको वापस किया जाए। वो पूरे देश के गार्जियन हैं और जो जहाँ तहाँ धरना प्रदर्शन हो रहे हैं काफ़ी लंबे समय से इस पर और विचार करें और जो कई लोग की हत्या हुई है उनका जिम्मेदार कौन है इसकी जांच करके मुकदमा लिखकर उन पर केस चलाया जाए। दूसरी ये है कि इनको मुआवजा 10 लाख सरकार दे और जो इंजर्ड हैं उनको 5 लाख दे और कोई बच्चा अगर मंदिर की सीढ़ी पे वो मस्जिद की सीढ़ी पे या घूरे पे फेंक दिया जाता है उसको किसी व्यक्ति ने पाल लिया है वो जवान हो गया है वो कागज़ कहाँ से दिखाएगा। तो इस स्थिति में और जो कोई भी कानून समाज के लिए और जनता के लिए बनता है और धरना प्रदर्शनों से ये साफ जाहिर है कि जनता इसे स्वीकार नहीं कर रही है। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर तुरंत तो स्टे लगाए और दूसरे जो है इसको वापसी या निरस्त करने का कार्य करे जनहित में देश हित में और सुरक्षा के लिए। इस्कॉन मंदिर के तत्वाधान में 9 फरवरी को निकलेगी राधा कृष्ण रथ यात्रा। जी हां, बरेली में धूमधाम से श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। इस्कॉन मंदिर के तत्वाधान में इस रथ यात्रा का आयोजन 9 फरवरी को किया जाएगा। रथ यात्रा आनंद आश्रम से शुरू होगी और कंपनी गार्डन चौकी चौराहा पटेल चौक नावेल्टी कोतवाली कोहाड़ा पीर और कृष्ण लीला कॉम्प्लेक्स प्रेमनगर चौराहा शाहिद चौक शील चौराहा होते हुए बांके बिहारी मंदिर पर समाप्त होगी। रथ यात्रा में बड़ी तादाद में श्रद्धालु शामिल होंगे और रथ यात्रा में कोतवाली के सामने भगवान को क्रेन द्वारा 56 भोग का अर्पण किया जाएगा। बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम अर्जुन दास। ये रथ यात्रा 9 फरवरी को आनंद आश्रम रामपुर गार्डन से और ये राजन नगर में बांके बिहारी मंदिर तक समापन होगा इसका। और ये मुख्य चौराहे जो शहर के हैं चौकी चौराहा युवका चौराहा कोहाड़ा पीड़ और सिलेक्शन पॉइंट सील चौराहा होते हुए राजन नगर में बांके बिहारी मंदिर पे विश्राम करेगी। कितने वर्षों से इस यात्रा निकल रही है? ये बड़े स्तर पे पिछले 2 साल से निकल रही है पूरे शहर में और छोटे स्तर पे मंदिर के आसपास पर में लगभग 8-10 साल से निकल रही है। इसमें बाहर से भी कुछ लोग विदेशी लोग भी आ रहे हैं? हाँ, इसमें काफ़ी बाहर से भक्त आ रहे हैं जिसमें रशिया से जर्मनी से यूक्रेन से और बाहर जो मंदिर हैं इंडिया में अपने दिल्ली से गाजियाबाद से नोएडा से गुड़गांव से मुरादाबाद से रुद्रपुर से पिलखुआ से यहाँ से भी भक्त लोग आ रहे हैं। कुछ इस रथ यात्रा में कुछ नया कोई नया की बात इस बार में कुछ नया कुछ किया है? हाँ, नया एक तो 2 साल से जो 56 भोग लग रहा है जो मुख्य आकर्षण है कोतवाली के पास भगवान को 56 भोग क्रेन के द्वारा लगेगा और विदेशी भक्त जो आ रहे हैं वो एक मुख्य आकर्षण है। और एक और मुख्य आकर्षण है जो कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उनका एक ग्रुप होगा जो रथ यात्रा के आगे हरे कृष्णा के धुन पे समूह में नृत्य करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। ये तभी के समाचार आए। कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया।